पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब एक्टिव हो गए हैं। जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रहे हैं, अब मीडिया के सामने जाकर वो बहुत कुछ सीएम को लेकर भी बोल रहे हैं और बिहार में बढ़ते अपराध को भी लेकर बोल रहे हैं। बीच में तेजस्वी यादव काफी शांत दिख रहे थे, ऐसी बातें निकल कर आ रही थी कि तेजस्वी यादव कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, मीडिया से बच रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव अब खुद मीडिया के सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से कल एक और पुल गिर गया, तीसरी बार, उस पर भी उन्होंने मीडिया के सामने जाकर बोला। ट्विटर पे तो वो ट्वीट अक्सर करते रहते थे, भले वो बिहार में रहे नहीं रहे, कहीं भी रहे, ट्विटर पे वो अक्सर पोस्ट करते रहते थे। एक और पोस्ट ट्विटर पे उन्होंने कर दिया है, 87 क्राइम। जी हाँ, पिछली बारी अगर पोस्ट दो वो 40 से ज्यादा क्राइम, 50 तक क्राइम गिनवाते थे, लेकिन इस बार वो डबल इंजन की सरकार को घेरते हुए 87 क्राइम उन्होंने गिनवा दिए हैं और काफी कुछ उन्होंने लिखा भी है। वो पोस्ट आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा, जो भी तेजस्वी यादव ने पोस्ट किया है, वो 87 क्राइम गिनवाते हुए डबल इंजन की सरकार को घेर रहे हैं। बीजेपी शासित डबल इंजन सरकार में बिहार में ट्रबलिंग क्राइम रिकॉर्ड, क्या आपने सीएम नीतीश कुमार को रिकॉर्ड तोड़ अपराध, अनियंत्रित भ्रष्टाचार तथा बिहार में प्रतिदिन गिरती सैकड़ों लाशों और ढहते पुलों को बोलते सुना? सुनेंगे भी नहीं। आपकी सूचनार्थ और ध्यानार्थ पेश है विगत 3-4 दिनों की चंद आपराधिक घटनाएं। 3-4 दिनों में उन्होंने 87 क्राइम सीएम नीतीश के खिलाफ गिनवाए हैं। सिवान में, पटना में, राजगीर में, कैमूर, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, बेगूसराय, पटना, जमुई, बेगूसराय, जमुई, आरा, पटना, मधुबनी, छपरा, जहानाबाद, नालंदा, दानापुर, वैशाली, मधुबनी, अररिया, नालंदा, सुपौल, शाहबाद, जहानाबाद, बेगूसराय, जमुई, गोपालगंज, पटना, नौबतपुर, मसौरी, ये तमाम पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, तमाम जगहों पर जितने भी क्राइम है तेजस्वी यादव ने सारे गिनवा दिए हैं और तेजस्वी यादव 87 क्राइम लिस्ट जारी किए हैं। आपकी स्क्रीन पर ये क्राइम लिस्ट चल रहा होगा किस तरीके से तेजस्वी यादव अब सीएम नीतीश और डबल इंजन की सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव पेपर लीक को लेकर, अपराध को लेकर ये बात हमेशा कहते हैं कि अब प्रशासन को सरकार से भय खत्म हो गया है, तभी जो है अब प्रशासन किसी से भी बिना डरे आए दिन अपराध हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं। एनडीए भी इसको लेकर मुंह तोड़ जवाब देता है, लेकिन तेजस्वी यादव एक दिन भी ऐसा नहीं जाता है जो ट्वीट करते नहीं थकते। बेटी रोहिणी आचार्य की मैं बात करूं, लालू की सुपुत्री, तो वो भी इसको लेकर सिंगापुर में बैठकर ट्वीट करती रहती है और अपशब्द बातों का प्रयोग करती रहती है। तेजस्वी यादव ने फिर से 27 लिस्ट गिनवा दिए हैं किस तरीके से बिहार में अपराध पड़ रहा है। देखने वाली बात होगी कि एनडीए की तरफ से इस पे किस तरीके से जवाब आता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए भारत लाइव के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे वो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।